अच्छा सर, मैं ना याद आया, एक बच्चे ने सवाल पूछा, मैनू वॉइस मैसेज भी आया था, मैं बहा देना। जो रुझान बदी जा रहे मौसीकी का, कंसर्ट्स होंगे इदारे हाउसिंग कलोनिया कंसर्ट्स होंगे, एक मौसीकी रुझान बदी जा रहा है। दूसरे पास साढ़े कवाल भी नहीं, असं जायज भी आने है ना कि सर, बिल्कुल इस चीज को थोड़ा डिफाइन करो कि एक पास अभी जवाज का फतवा कर लेने, दूसरे पास अस जाने गाने शाने ने सुनना चाहिए नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंशिएट कर दो ताकि यंग जनरेशन को थोड़ा फर्क लगे ना इस चीज का। सब गल बिल्कुल सही कह रहे हो। साढ़े माशरे के वाकई यह चीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है। एक तो मौसीकी वाले पास बच्चों का भी रुझान ज्यादा, बस जवाब वड्डियों का भी रुझान बदल गया। मैं तो साहब का दौरान होना, बच्चे पढ़ा रहे हुई था ना, तो उन्होंने आखिरी आयत सुनाओ, तो आयत नहीं याद होती, गाने पूरी पूरी लिस्ट भी याद है तो नाल है गुरुकारा भी ना याद है, गुरुकारा का वाकई काबिले गौर है, सोचना चाहिए ऐसे बारे में। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ना देखिए, इस्लाम के मेरा ख्याल कोई तसव्वुर कोई नहीं है कि इस इंसान कोई एप्रिशिएट करिए, ऐसा जवाब का फतवा देगी। जिहड़ा कुछ फुकाहा जवाज की कोई गल की, उस विच भी असल गल ये है कि अगर ते वो कलाम बड़ा अच्छा बिल्कुल ते मौका बड़ा कोई शाद और नादर, खुशी का मौका है, जिस तरह ईद का मौका आ गया, शादी का मौका आ गया, ते अच्छा कलाम जिहड़ा ना उस चलो तुसा उस खुशी के मौके ते सेलीब्रेट करो, और वो सेलीब्रेट करने वाला भी मर्द होवे, ठीक है ना, औरत ना होवे, औरत की आवाज औरत खुद बजाते खुद भी पाता है, औरत की आवाज भी पाता है। इस तरह सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 जी है ना, अगर उसको तुम पढ़ो ना, बड़ा वाजे उस मौकफ जरा वो इस हवाले नाल मौजूद ही है, बजाय अगे पिछे किधरे और जाइए कि यार की सूट यार चलो दसो। सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 जी है ना, उसे जरा पाक फरमाना है, और मेरे अंदाज से मैं यश करीला वाल हदीस जी दिल्ला अब सभी लाही बिलाई, ये आय मुबारक जी गल दसी गई है कि लोगों के कुछ लोग यह मैं यशतरी खरीदते, यशतरी तो मतलब ऐसा खरीदना ही है, लेकिन मान ऐसा ही इख्तियार करते, लाभ हदीस लाभ लाभ वाली गल क्यों खरीदने लिया सका कि अल्लाह के रास्ते तो वो लोग फेर दे पूरा कर। इस आय की तुम तफसीर अगर पढ़ो ना, कोई भी तफसीर चुक लो पुराने सारिया तफासीर के लावल हदीस तो मुराद होगा गिना गाना मुराद गाना गाना जाए देखो ना, गाने दे विच सुनते वाली भी बढ़ जाती है कि ऐ बड़े शहर में कंसर्ट्स होते हैं, कंसर्ट्स दे विच मर्दो जान दा इख्तलाफ होता है, वो जैसे बकायदा डांस नेशन जी, और वो यकीनन इख्तलाफ और बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। बिल्कुल, और एंड था ना इस आयत के एंड, अल्लाह पाक फरमाए कि ऐसे लोगों वास्ते अजाब मुहीन दर्दनाक किस्म का अजाब है। इस विच हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जी अजीम शख्सियत जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बशारत दी थी, अल्लाह मुफक्की हो फी दीन, सब तो बड़े तो फकीह हो ही सन दीन के, वो फरमाते हो अलगिना, ऐसे तो मुराद हो अलगिना मुफस्सर याज अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उन्होंने कसीर एक तादाद सहाबा इकराम के फिर ताबईन के भी इस तरह उन्होंने इस आयत के लाह वल हदीस तो मुराद है गाना लिया, ठीक है ना, गिना मुराद लिया। अगर के इमाम इब्न तैमिया एक बड़े मौके पे चलो कोई ज्यादा इख्तलाफ हो जाता तो हो जाता, लेकिन ये कि बड़े मौके पे वो कहते हैं यार सन इस मामले में लाह वल हदीस के मामले में सहाबा की गल मान लेनी चाहिए, ये इजमा है अगर तक क्यों ना सब के पीछे और जनाब हो जाता, मेरा मतलब एक गल का ये होगा कि जेड़ा मामला दूजे पास कवालिया ने अभी इन फ्रेंज कहने कि कवालिया जो विक्राम अच्छा होता है, एक तो मजामीर के नाल है ने मजामीर है ना, और मजामीर नबी अल्लाह सलाम ने मना फरमाया मना फरमाया, लेकिन वो एक अलग बहस से बन जाती है कवाली है, असल तो हर मौजूद है कि अच्छा कलाम होए, उस सुनने वाला समझने वाला भी कोई बंदा मौजूद हो।
ये आज तो फर्क छाड़ के तो उधर जाना काफी फायदा। ये चीज़ असल में थोड़ा सा बेहतर